करें। आपको बताएं सेनेट इलेक्शंस में वीडियो स्कैंडल पर यूसुफ रजा गिलानी की नाअहली। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई की दरख्वास्तों पर फैसला महफूज कर लिया। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई की दरख्वास्तों को खारिज कर दिया। केस से मुतालिक हकायक ठीक तरह से पेश नहीं किए गए। 20 समातें हुई और 12 बार केस मुलतवी करने की दरख्वास्त की गई। एक जो केस है उसका फैसला एक माह में महफूज नहीं रहा। पीटीआई के फारूख हबीब, मलिका बुखारी, कमल शूजर ने दरख्वास्तें दायर की थी। यूसुफ गिलानी के खिलाफ बराह रास्त कोई शवाहिद नहीं। अली गिलानी, फहीम खान के खिलाफ क्राफ्ट प्रैक्टिसेस के तहत कार्रवाई का हुक्म। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर को अली हैदर गिलानी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने का हुक्म। यूसुफ रजा गिलानी सेनेटर रहेंगे। इलेक्शन कमीशन का फैसला। सेनेट इलेक्शन में वीडियो स्कैंडल पर यूसुफ रजा गिलानी की नाअहली का मामला। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई की दरख्वास्तों पर महफूज फैसला सुना दिया। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई की दरख्वास्तों को खारिज कर दिया। केस से मुतलिक हकायक ठीक तरह से पेश नहीं किए गए। 20 समातें हुई और 12 बार केस मुलतवी करने की दरख्वास्त की गई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मुताबिक इस केस का फैसला एक माह भी महफूज नहीं रहा। पीटीआई के फारूख हबीब, मलिका बुखारी, कंवल शुजैफ ने दरख्वास्तें दायर की थी। यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ राय रास कोई शवाहिद नहीं। अली गिलानी, फहीम खान के खिलाफ प्रैक्टिस की तहकीकात कार्रवाई का हुक्म। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन को अली हैदर गिलानी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने का हुक्म। यूसुफ रजा गिलानी सेनेटर रहेंगे। इलेक्शन कमीशन का फैसला।